हाँ जी, वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ लिप्पा नट, वो भी पहले बार मैंने ट्राई किया हूँ। और पहले बार ट्राई करने के वक्त जो मैं गलती किया हूँ वो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, ताकि वो गलती आप ना करें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एज अ बेस जो केक बेस होता है वो ईजिली आपको 10-20 रुपये में ईजिली आपको मिल जाएगा, आप वो उसके ऊपर कर सकते हो। मैं पहले बेस के लिए यहाँ पे जैसे अप्लाई करके वो मैंने पहले सुखा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे प्रशियन ब्लू एंड वाइट इन दोनों को मिक्स करके एक ग्रेडियंट जैसा इफेक्ट मैं दूंगी। सॉरी, यहाँ पे वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं है। तो या चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे केक बेस इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है और बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। और आप चाहो तो इसकी जगह पे कैनवास भी यूज़ कर सकते हो, पर कैनवास थोड़ी कॉस्टली आता है। पर ये जो बोर्ड है वो बहुत हार्ड होता है और आप ऐसे सारे वर्क कर सकते हो, इसीलिए मैंने ऐसे बोर्ड को अप्लाई किया हूँ। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा किया था, पर टर्न आउट बहुत अच्छा हुआ। पर करते वक्त मुझे थोड़ी बहुत गलती लगी थी, तो मैं वो भी आपको बताते हुए जाऊँगी। और यहाँ पे मैं लिप्पा नट को मेनली मॉडर्न ग्लास वर्क बोलता है, मॉडर्न मिरर वर्क, इसलिए मैं यहाँ पे मड की जगह पे वाइट वॉल पुट्टी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वाइट वॉल पुट्टी, उसके साथ थोड़ी बहुत ऑयल एंड ग्लू, वाटर मैंने नहीं यूज़ किया। उसके साथ एक पेस्ट मैं बना लूँगी, पेस्ट जैसे मैं बना लूँगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत भी आपको पानी देना ज़रूरी नहीं है, पानी देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटने लगता है सूखने के बाद। मैं यहाँ पे जो पेस्ट मैंने बनाया है वो बिल्कुल फेविकॉल की मदद से बनाया हूँ। जितना क्वांटिटी फेविकॉल होना चाहिए वही मैंने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे एक कोन के अंदर मैं इसको फिल कर दिया। ये जो टेक्सचर है ये इतना ज़्यादा रानी नहीं होना चाहिए और इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखी यहाँ पे जो पहले वाला कोन बनाया था बहुत टाइट था, निकलने में इजी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा उसके बाद और एक मैंने पेस्ट बनाया था वो थोड़ा रानी था। तो ये आप देखते जाइए। मैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे वीडियो लिप्पा नट के ऊपर है, पर मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से। पर मुझे ऐसा लगा कि सबसे इजी मेथड है आप मोल्डेड क्ले यानी कोई भी एयर डाई क्ले की मदद से कीजिए, तो वही अच्छा सबसे होता है, हैंडी भी होता है। पर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मार्बल पाउडर की मदद से जो पेस्ट होता है वो अच्छे से हो जाए तो अच्छा होता है। नहीं तो मुझे पर्सनली, मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आया था वह तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप देख सकते कि यहाँ पे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पर या और हाँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डी कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करना। और मैं हर हफ्ते वीडियो देती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप जब ऐसे कोन करके काम करते हो तो प्लीज़ कोन की जो मुंह है यानी मुंह है वो क्लियर करते रहिए, नहीं तो वो ना उस मुंह पे जम जाता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप मुंह जो नीब है उसका वो क्लियर करते रहिए ताकि फ्लो अच्छे से आए। और एक बात, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो पेस्ट बना रहे हैं आप कोशिश करना कि वो एक दिन में ही ख़त्म हो, क्योंकि आप उसको रख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ईजीली जम जाता है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि
वो एक दिन में ख़त्म करना आप कोशिश कीजिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं अगली संडे। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरी DIY के ट्राई करते रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करते रहिए ताकि वो भी मैं देख सकूँ और उसको भी मैं मेरे अकाउंट की मदद से शेयर कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगली संडे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।